I would like to welcome you all in Radical IIT and Radical. तो आज हम लोग लिविंग वर्ड उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और डाइवर्सिटी ये आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से हमें स्टडी करना है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो आपके अपने सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करते हैं, आई होप आपको अभी जैसे आप पैनिक नहीं होना है कि कुछ चीज़ें आपको विजिबल नहीं है। जैसे जैसे उनका टाइम आएगा मैं आपको वो चीज़ें हाईलाइट करता जाऊँगा। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में ही एक सब टॉपिक है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। रेडी? कॉपी पेन आपके रेडी होने चाहिए। कुछ एसेंशियल लगता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप नोट डाउन करने की कोशिश भी करें, ये ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है एग्जैक्टली। जैसे मैंने पीछे एक सीनरी एक बना रखी है, तो अपने सराउंडिंग में आप देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, और इस खूबसूरती में देखेंगे तो आपको अलग अलग एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो लिखा है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपने सराउंडिंग में हमको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। हो सकता है कि पॉटेड प्लांट्स हो सकता है कि इंसेक्ट्स हों, ऐसे ही हो सकता है कि बर्ड्स हों, या फिर हो सकता है कि आप किसी पेट को पालते हों तो वो पेट्स हों, या फिर ऐसे अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है। तो अब ये विजिबिलिटी आपको आ रही होगी। ये सारा कुछ जो है ये एनसीईआरटी पॉइंट से ही लिया है। मेरी कोशिश है कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को हम एक तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्लियर। तो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है और उसमें अलग अलग एनिमल्स हैं, एनिमल के अलावा अलग अलग प्लांट्स हैं, तो काफ़ी खूबसूरत हमको लगता है। इतने सारे जो वेरिएशन हैं अगर इनको काउंट किया जाए, तो अभी तक जो डिस्कवरीज हुई हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर इनको काउंट किया जाए तो इनके टोटल नंबर अगर देखें तो एनसीईआरटी पॉइंट्स में ही ये लिखा हुआ है कि अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन लगभग स्पीसीज हमने अभी तक डिस्क्राइब की है, उनको डिस्कवर कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्पीसीज व्हिच इज नोन, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं 1.7 टू 1.8 एनसीईआरटी पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्लियर। अब इतने सारे अलग अलग स्पीसीज हैं तो ये क्या हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, तो दिस रिफर्स बायोडायवर्सिटी। डायवर्सिटी सिंपल सा मतलब हो गया बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और ये वेरिएशन एग्जैक्टली हम देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग वर्ल्ड में, तो इसे हम कहेंगे बायोडायवर्सिटी। तो बहुत एक सिंपल सा वर्ड था बायोडायवर्सिटी। अब इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो हमने आइडेंटिफाई किया, तो अब नीड है कि इनके बारे में हम अंडरस्टैंड करें, मतलब इनको हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, उनको समझते आना चाहिए कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो हम आगे बात करेंगे नॉमिनिक्लेचर की, क्योंकि ऐसे देखने से चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन अगर हमको किसी को कन्वे करना है कि ये चीज़ क्या है, तो उसका एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए, मतलब एक नाम होना चाहिए। तो वो नाम देने का जो प्रोसेस है, एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, उसे हम नॉमिनिक्लेचर कहेंगे। आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है UPSC नॉमिनिक्लेचर होता है, तो वैसे यहाँ पर भी कुछ होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको फटाफट वो कुछ पॉइंट्स बताए थे, अब वहाँ उसको दोबारा एक रिकैप्चुलेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो नॉमिनिक्लेचर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप नोट डाउन करेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैंने इसको नोट डाउन किया है। तो नॉमिनिक्लेचर में जो पहला पॉइंट है, द साइंटिस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज लाइफ बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज। तो जरूरी है कि हम अपने सराउंडिंग में जो साइंटिस्ट जो इनकी स्टडी कर रहे हैं, वो पहले तो अपने सराउंडिंग में इतनी सारे जो मिलियंस स्पीसीज हैं उन सारे को आइडेंटिफाई करें, उनको पहचानें, उनको ऑर्गेनाइज करें। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी लाइफ विदाउट ब्रिंगिंग सम ऑर्डर टू द वाइड एरे एंड इनक्रेडिबल नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ये देखा जाए तो इम्पॉसिबल है कि इतना ज़्यादा जो वेरिएशन है उन सारे वेरिएशन को हम अंडरस्टैंड कर लें, उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दें ताकि हम आसानी से उनके बारे में समझ जाएं, मतलब उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट देना, ये लगभग इम्पॉसिबल जैसा लगता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन और नॉमिनिक्लेचर है, आइडेंटिफिकेशन है, इसकी हेल्प से हम एग्जैक्टली ये सिस्टमिक्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। दिस ऑर्डर हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग चाउज एज वेल एज द हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिज्म दे स्टडी इन अ बेटर वे। अगर ये प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया तो उससे आसान ये होगा कि सपोज़ अगर एक बच्चा है वो खुद बर्थ लेता है, स्कूल जाता है, उसके बाद कॉलेज जाएगा, साइंटिस्ट बनता है, यानी अपनी लाइफ में उसने काफ़ी बड़ा जो एक टाइम था वो लर्न करने में यूटिलाइज किया।
लेकिन अब उसने कुछ इन्वेंशंस की, कुछ डिस्कवरीज की, अगर वो नॉलेज वो किसी आने वाली जनरेशन को पास ना कर पाए, तो वैसे में जो न्यू जनरेशन होगी उसको फिर से उस ग्राउंड लेवल से वर्क करना पड़ेगा। तो पहले वाले ने जीरो से लेकर कुछ लर्न किया, उसके बाद दूसरा वाला अगर फिर से जीरो से शुरुआत करेगा, तो ऑब्वियस है कि पहले वाले कंपेरिजन में या तो बराबरी तक पहुंचेगा या थोड़ा बहुत ज़्यादा ये ऊपर हो सकता है। ऐसे में जो सीखने का जो सीरीज है वो रुक जाएगा, वो कहीं पर इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो बेहद ज़रूरी ये है कि अगर पहले वाले ने जो सीखा है उसको पास कर दे, तो दूसरा वाला उसके आगे उस नॉलेज को वो आगे बढ़ाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमने जो भी लर्न किया है उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में बैठाएं, एक सिस्टम डेवलप करें, ताकि आसानी से उनको आइडेंटिफाई करना या उनको नाम देना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना ये आसान हो जाए। द लोकल नेम्स गिवन टू द फ्लोरा और फाउना, ये भी समझ में आता है कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फाउना का मतलब क्या होता है, मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट इफ अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉर नेमिंग दिस ऑर्गेनिज्म इज फॉलोड, इट विल सिंप्लीफाई द कॉन्वर्सेशन अक्रॉस द जियोग्राफीज। हर जगह पर अगर कुछ दूर पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पानी का टेस्ट चेंज होता है, कुछ और दूर पे जाएं तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो क्या और एनिमल्स और प्लांट को लेकर भी वेरिएशन होता है? यस, जैसे इंडियन टाइगर हमने कहा, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि अफ्रीका में मिलने वाला टाइगर वो काफ़ी हद तक इंडियन टाइगर से वेरी करता हो। तो सीधा मतलब है कि जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग कुछ फेनोटाइपिकल वेरिएशन लीड करता है, उस कारण से एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट के अंदर भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। मतलब है तो वो एक ही स्पीसीज, लेकिन उसमें भी फर्दर ब्रीड्स हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, या फिर स्पीसीज को लेकर भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे अगर हमने नॉर्मल वर्ड कहा डॉग, लेकिन आप जानते हैं कितने अलग अलग टाइप के डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग से लेकर हम अल्सियन, हम ये भी जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड, ये भी कुछ एक स्पेशली नाम है डॉग का। तो ये सारा कुछ जो है इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी कुछ वेरिएशन हमारे सराउंडिंग में है, और ज़रूरी है कि हम इनको करेक्टराइज करें, इनको आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द टू टाइप्स ऑफ नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म आर। अब जो जनरली नाम जो है वो दो तरीके के नाम हो सकते हैं ना, इसमें हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा जो पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं जानता हूँ कि सामने जो है ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, उसको हम फ्लावर कहते हैं, मतलब प्लांट के ऊपर है, खूबसूरत दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, फ्लावर हो गया। एक नया दूसरा हमने प्लांट देखा, वहां पर हो सकता है कि कुछ ऐसे ही ऊपर की तरफ पे स्ट्रक्चर आया, वहां कंफ्यूजन हो गया कि ये फ्लावर है या फ्रूट है, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने प्रीवियसली जो एक्सपीरियंस किया उसके बेस पर हमने कहा कि नहीं, इसको खाया नहीं जा सकता, मतलब और खूबसूरत दिख रहा है, मतलब फ्लावर ही होगा। बाद में अगर उसकी स्टडी की जाए तो दैट मे बी अ फ्रूट, या फिर कुछ दूसरा वो अपेंडिसेस हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ जरूरी है कि हम प्रॉपर उनके बारे में अंडरस्टैंड करें। तो कॉमन कॉमन नाम देना, मतलब जो नॉन साइंटिफिक पर्सन है वो कॉमन नेम दे सकता है, लोकल नेम दे सकता है, और ऐसे नेम्स को ही हम वर्नाकुलर नेम्स कहते हैं। तो एक बार में हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म या तो वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग एरिए के अकॉर्डिंग जो लोकेलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे अलग अलग नेम है। जबकि वहीं पर प्रॉपर उसके बारे में अंडरस्टैंड करने के बाद हम उनको कोई साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के नाम हो सकते हैं, एक वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर के ही सिनोनिम्स हैं कॉमन नेम लोकल नेम। जबकि वहीं पर दूसरा टाइप का जो नाम है दैट इज साइंटिफिक नेम, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस करके वर्ल्ड वाइड जिसको एक्सेप्ट किया जाए वो स्टैंडर्डाइज नेमिंग करना साइंटिफिक नेम हो गया। तो अब इस साइंटिफिक नेम में कैसे क्या करना चाहिए, तो लिखा हुआ है फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन, हम ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो पहला होना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, किस जगह से, किस प्लेस को वो बिलोंग करता है, उसका ओरिजिन क्या है। दूसरा, उस प्लेस में उसका आवास क्या है, हैबिटाट क्या है, वो एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, अर्बोरियल है या फिर गुफाओं के अंदर रहता है, ऐसे जो भी है हम जानते हैं उसको कि अलग अलग वैरायटी ऑफ हैबिटेट हो सकते हैं, ग्रासलैंड भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है रिसेम्बलेंस विथ अ स्पीसीज, क्या वो किसी दूसरी स्पीसीज से मिलता जुलता है ना, जैसे हमने कहा कि कैट फैमिली, कैट फैमिली में कैट भी आ जाता है, उसमें टाइगर भी आ जाता है, लॉयन भी आ जाता है, तो इस तरीके से देखें, हैबिटेट
है तो बहुत वेरिएशन, लेकिन हमने कहा कि लगभग मिलते जुलते हैं, उस बेस पर हमने नाम दे दिया कैट फैमिली। आगे बढ़ने से पहले एक टिप आपके लिए है, स्टडी टिप, आप देखें, नॉमिनिक्लेचर रिफर्स टू द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। आइडेंटिफिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली। तो बेहद जरूरी है कि जो नॉमिनिक्लेचर है, वो नॉमिनिक्लेचर एक ऐसा स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जिसको हर वर्ल्ड में, मैंने पूरे जो अपना वर्ल्ड है उसमें हर कोई एक्सेप्ट करे, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज में कुछ जगह हो सकता है कि इंग्लिश में बात की जाती है, कुछ जगह पर फ्रेंच हो सकती है, कई जगह रशिया हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, जापानीज हो सकती है, हिंदी लैंग्वेज भी, तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में उन ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे वर्नाकुलर नेम हो सकते हैं। तो अब अगर पूरे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हमें पता करना है तो ज़रूरी होगा कि उन ऑर्गेनाइज को हम एक ही लैंग्वेज में नॉमिनिक्लेट करें, तो वही साइंटिफिक नेमिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये स्टडी टिप में इसी पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं कि वो क्या कमिटी हैं, वो क्या काउंसिल्स हैं जिनको जिनके पास वो राइट्स हैं और जिनको एग्जैक्टली बनाया गया है कि किस तरीके से प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनका नॉमिनिक्लेचर किया जाए। तो उन्हें हम यहाँ पर ऑल इंटरनेशनल कोर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट कोर्स क्या हैं, किस तरीके से ये किस एरिए को बिलोंग करते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन हमने किंगडम वाइज हमने देखा है कि ऑर्गेनिज्म 5 अलग अलग किंगडम को बिलोंग कर सकता है। मेजोरिटी में देखा जाए तो हम कहते हैं फ्लोरा एंड फाउना, इसका मतलब ये हुआ या तो वो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा। अगर प्लांट और एनिमल को देखा जाए, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि दोनों के लिए ही यहाँ पर कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल देखें तो प्लांट एनिमल के अलावा भी कुछ दूसरी चीज़ें हैं लाइक वायरस या बैक्टीरिया, तो उनके लिए भी कोडिंग सिस्टम दिया हुआ है कि किस तरीके से उनको नाम देना है, क्या वो रूल्स होने चाहिए, वो सारा इसमें मेंशन किया जाता है। पहले हम देखते हैं जितने प्लांट्स हैं, प्लांट की स्टडी वो बॉटनी के नाम से कहलाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, पहला लिखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमिनिक्लेचर ICBN एंड दिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1961। लेकिन वहीं पर जो 1961 में ICBN का जब स्थापना हुआ, इसने प्लांट्स के नॉमिनिक्लेचर किए, तो ये रिक्वायरमेंट जो है एनिमल वर्ल्ड में भी समझी गई और लगभग कुछ सालों बाद ही, आप देखेंगे 1964 में, लगभग 3 साल बाद ही एनिमल्स का भी एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गया कि किस तरीके से उनका नॉमिनिक्लेचर किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा हमने ICBN पढ़ लिया, सिर्फ चेंज क्या करना है, हियर आर द बी स्टैंड फॉर द बॉटनी, मतलब पूरे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर बी की जगह पर जेड लगा देना है, जी लगा देना है, इसका मतलब ये हो गया जूलॉजी। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमिनिक्लेचर, क्लियर, तो बहुत ही आसान था, ये ऑलरेडी NCERT में दिया हुआ है। लेकिन अब आगे और क्या देख सकते हैं, तो लेट्स सी, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमिनिक्लेचर, जो बैक्टीरिया है, हम देखते हैं इतनी ज़्यादा जो बीमारी होती हैं उन बीमारियों के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैथोजन जो है वो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो इतनी हाई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं कि सपोज अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करना है तो वो भी हम बैक्टीरिया के थ्रू इंसुलिन प्रोड्यूस करा सकते हैं। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि बाकी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ये बैक्टीरिया बहुत फास्ट पॉपुलेट कर सकते हैं। तो इतनी हाई स्पीड से पॉपुलेट करेंगे तो जो प्रोडक्ट रेट होगा, फॉर्मेशन रेट होगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया अब एक अभिन्न हिस्सा हमारे लाइफस्टाइल का बन चुके हैं, उन बैक्टीरियाज को हम अब अपने कई सारे कामों में यूज़ करते हैं। बहुत पहले से भी अगर देखा जाए, आपको शायद माइंड में क्लिक किया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर हमको दूध से दही बनाना है, मिल्क से कर्ड बनाना है, कर्डिंग करनी है, तो उसके लिए भी हमको वही चाहिए, द लैक्टोबैसिलस, दिस द नेम ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कर्डिंग। तो कर्ड के लिए भी बैक्टीरिया जरूरी है, इवन हमारे इंटेस्टाइन में भी एशीरिया कोलाई जैसे यूजफुल बैक्टीरिया है, क्लियर। अब इसके अलावा वायरस, अभी तो कोरोना आप जानते ही हैं, कोरोना इज वॉट, वो जो डिसीज है उसमें जो वायरस है उसे हम COVID-19 वायरस कहते हैं। तो है वो वायरस, तो वायरस ऐसे बहुत सारे हैं, उन वायरस को भी हमको आइडेंटिफाई करना होगा, कैरेक्टराइज करना होगा और उनके बाद उनका एक पर्टिकुलर नाम देना होगा ताकि पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक नेम लोग उसको यूज कर सकें। लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर द वायरल नॉमिनिक्लेचर ICBN। वैसे यहाँ पर देखें जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग लगातार चली जाती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो लगातार उनमें हाइब्रिडाइजेशन और
जेनेटिकल इंजीनियरिंग इवन उसमें परफॉर्म किया जा रहा है. तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमिनिक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स ICNCP, तो ये भी एक कोड है जो हम देखते हैं. तो NCERT के अकॉर्डिंग दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ICBN एंड ICZN. उसके अलावा आप याद रख सकते हैं ये एक्स्ट्रा. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट देखें. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स. तो देर आर फोर पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर टेकन केयर ऑफ वाइल नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम नेमिंग करते हैं तो उस टाइम पर हमको चार बातें थोड़ी ध्यान रखनी है. वो चार बातें क्या हैं? पहला अगर देखें, ईच ऑर्गेनिज्म शुड हैव ओनली वन नेम. ठीक है, तो ये जरूरी है. हो सकता है कि थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. ईच ऑर्गेनिज्म शुड हैव ओनली वन नेम. किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए. हम लोग का भी ऐसे ही होता है ना कि हम ऑफिस में जाएं या फिर स्कूल में जाएं, कोई सर्टिफिकेट बने तो उसमें एक ही नाम चलता है ना. आपके निकनेम जो है उसमें लिखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता कि ठीक है आपका नाम क्या है. आप लिख सकते हैं साथ में आप पेट, आपका पेट नेम या निकनेम जो है उसको भी लिख सकते हैं. स्लैम बुक है उसमें आप लिख सकते हैं, बट एग्जैक्टली बाकी ऑफिशियल में वहाँ पर सिंगल नेम ही चलता है. तो वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म जो है उन ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक यूनिक नेम होना चाहिए. तो जो कोड्स हैं वो एक ही नाम के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं. दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दिस नेम शुड नॉट हैव बीन यूज्ड प्रीवियसली फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म. जो नाम हम दे रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद, अब ये नाम किसी दूसरी स्पीसीज के लिए पहले से ही अलॉट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि हमने जिसको आइडेंटिफाई किया उसका भी नाम वो रख दिया लेकिन वो तो पहले से एग्जिस्ट करता है, ये कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करेगा. तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमको ध्यान रखनी है. हमने चार पॉइंट की बात की थी, दो हो गए कि पहला वाला यूनिक नेम होना चाहिए, दूसरा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. आप भी जब ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो उसमें भी अवेबिलिटी आती है कि नहीं ये ऑलरेडी जो आप मेल एड्रेस बनाना चाह रहे हैं ये एग्जिस्ट करता है. आपने बनाया ना, सभी अपने अपनी अपनी ईमेल आईडी आपने बनाई होगी, तो वो ईमेल आईडी जब बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो यूनिक होना चाहिए. तो वैसे यहाँ पर भी वो दूसरा पॉइंट था. तीसरा, व्हेनेवर एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड वन शुड बी एबल टू अराइव एट दिस साइंटिफिक नेम. क्लियर. जब भी हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर ऐसे मिलना चाहिए जो उसके साइंटिफिक नेम में वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे. मतलब बिल्कुल नाम जो है बहुत अलग नहीं होना चाहिए, नाम से भी कुछ इमेजिनेशन आए कि हम कम से कम प्लांट की बात कर रहे हैं या एनिमल की बात कर रहे हैं, इतनी क्लियरिटी भी होनी चाहिए कम से कम नाम में. ठीक है. फोर्थ पॉइंट देखें, व्हाइल पब्लिशिंग अ न्यू साइंटिफिक नेम अ टाइप स्पेसिमन इज कैप्ट फॉर द रेफरेंस. हमारे पास अगर एनिमल है तो उसको फॉर्मेलिन में डालकर प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट है तो हम देखेंगे हर्बेरियम किस तरीके से बनाया जा सकता है और उसको उस तरीके से स्पेसिमन के फॉर्म में हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो कोई ना कोई स्पेसिमन होना चाहिए ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो और एक ही चीज़ को दोबारा खोजा ना जाए, एक ही चीज़ की बार बार डिस्कवरी ना हो और सिर्फ नंबर जो है स्पीसीज के वो बढ़ ना जाए. तो एग्जैक्ट ये हमारी ड्यूटी है कि उस डाइवर्सिटी को हम पहचाने और पहचाने के साथ साथ उनको रिकॉग्नाइज करने के साथ उनको एक अरेंजमेंट में डालें, एक सिस्टम बनाएं ताकि आसानी से जो दूसरे नए हैं जो सीखने वाले हैं वो लर्नर आसानी से सीख सकें. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर. नॉमिनिक्लेचर हमने समझ लिया, बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया? दो नाम है ना, दो नाम अगर हम यूज कर रहे हैं ऐसा है. पिछली क्लास में भी हमने सीखा था कि अगर जैसे सपोज मैं ही हूँ तो मेरा नाम है एक विवेक और उसके बाद मेरा जो सरनेम है टाइटल है मिश्रा. तो हमने क्या किया, विवेक हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम हो, है ना, सरनेम हो सकता है मिश्रा बहुत सारे लोगों का हो, लेकिन दोनों को मिला दिया तो विवेक मिश्रा, कम से कम वो जो परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी थी उसको हमने कम कर दिया बाय कॉम्बिनेशन. हो सकता है कि दो की जगह अगर बीच में एक मिडल वर्ड भी आप लगा दें तो वो जो और कॉम्बिनेशंस थे उसको भी आप कम कर देंगे. इस तरीके से आपका नाम जो होगा वो यूनिक हो जाएगा. अगर ईमेल एड्रेस बनाने की बात करें तो आप करते हैं ना, नाम आपने बनाया लेकिन उसमें सजेशन होगा कि सिंपली अगर अल्फ़ाबेट यूज़ करें तो कहीं ना कहीं वो तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो रिपीट हो, आपके नाम एग्जिस्ट ऑलरेडी है ये हो सकता है पॉसिबिलिटी हो. लेकिन अगर उसमें आप कुछ नंबर डाल दें जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल, तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा अब उसके पहले से एग्जिस्ट रहने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. उसमें और स्पेशल करेक्टर डाल दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. तो इस तरीके से आप एक यूनिक ईमेल एड्रेस बना सकते हैं. वैसे यहाँ पर भी, लेकिन अब जो हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल आप उसको इनपुट दे सकते हैं. अगर कंप्यूटर की बात करें
कंप्यूटर में आप हो सकता है कि स्पेशल करेक्टर डाल सकते हैं, अल्फाबेट डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, यहां क्या यूज करें? तो यहां हमारे पास जो अलग अलग टैग हैं, उन टैग में दो हमको वर्ड चूज करने हैं, तो लेट्स सी वो क्या है। यहां लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड टू कंपोनेंट साइंटिफिक नेम फॉर द ऑर्गेनिज्म। दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है ये आप देखें, फर्स्ट कंपोनेंट इज द जेनरिक नेम, है ना, जीनस भी कहते हैं इसको। पहला कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, जेनरिक नेम होता है। वहीं पर अगर हम दूसरा देखें, द सेकंड कंपोनेंट, तो दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। पहला मैंने आपको बताया जेनरिक नेम हो गया, और दूसरा हमने बताया कि ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। इसी को हम बोल सकते हैं स्पीसीज, और उसको बोल सकते हैं जीनस। तो जीनस और स्पीसीज दोनों को मिला दिया, ये कॉम्बिनेशन जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नेमिंग। तो ये नेमिंग का पैटर्न या स्टाइल क्या हुआ, दो वर्ड को मिलाने से हुआ तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तीन अलग अलग तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एग्जैक्टली हम क्या फॉलो करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, और कुछ रेयर कंडीशन में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, हम बात कर रहे थे कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या है, जेनरिक नेम, इसी जेनरिक नेम को हम जीनस भी कहते हैं। वहीं पर जो दूसरा कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट, दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट, इसी को हम स्पीसीज कहेंगे आगे। तो जीनस प्लस स्पीसीज, या फिर पर्टिकुलर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये दो कंपोनेंट आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। देखें पहला लिखा हो ह्यूमन बींग्स, उनका एक साइंटिफिक नेम यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं होमो सेपियंस। यहाँ होमो क्या हो गया, दिस इज द जीनस, जेनरिक नेम। वहीं पे सेपियंस क्या हो गया, तो ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। अब आगे देखें, कैट लिखा है, तो कैट इज फेलिस डोमेस्टिकस। कैट का क्या नाम हो गया, फेलिस डोमेस्टिकस, मतलब फेलिस हो गया यहाँ पर उसका जेनरिक नेम द जीनस, और डोमेस्टिकस क्या हो गया उसका स्पीसीज, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। सिमिलरली मैंगो, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, मैंगिफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इज वॉट द जीनस, इंडिका इज स्पीसीज। कुछ बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं, उसमें यूजफुल जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही नाम लिया था, एशीरिया कोलाई, इसको शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं। तो एशीरिया इज द जीनस, उस जीनस में और भी स्पीसीज होंगी, वन ऑफ द स्पीसीज इज द कोलाई, क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जिससे आप आसानी से जीनस क्या है, या जेनरिक नेम, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इसमें टिप है आपके लिए, कोरोलस लेनिनियस द स्वेडिश बॉटनिस्ट एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन द मिड 70s। तो ये कोरोलस लेनिनियस है, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एस्टैब्लिश्ड किया। उनका ये आइडिया था ये सिस्टम बनाने का, तो ये क्रेडिट जो है एस्टैब्लिशमेंट का वो उन्हें जाता है। तो ये स्टडी टिप था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो आप ये बताएं। और एडिशनल कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने पीपीटी में अटैच की है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि और डिफरेंट क्या साइंटिस्ट हैं और उनका क्या योगदान रहा है। नेक्स्ट देखें कि अब जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो उस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या रूल्स हैं। द रूल्स फॉलोड इन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोस। क्या वो रूल्स हैं, लेट्स सी। पहला दिख रहा है, द साइंटिफिक नेम्स आर ईदर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम द लैटिन। तो ये पिछली क्लास में भी हमने बात की थी, लैटिन इज द डेड लैंग्वेज। लैटिन डेड लैंग्वेजेस का फायदा क्या है, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि लाइक डिवाइस जो है, स्मार्टफोन जिसको हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पर आप डिक्शनरी भी उठा के देखते तो आपको नहीं मालूम होता कि वहाँ पर वो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब उसकी इन्वेंशन हुई, उसको नाम दिया गया, जिसने इन्वेंशन किया उसको एक नाम दिया गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो यूज़ में आने वाली लैंग्वेज हैं उनमें लगातार नए शब्द जुड़ते रहते हैं, और इस कारण से उनका जो जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, ये लगातार बढ़ते रहता है। लेकिन वहीं पर जब हम इन एनिमल्स और इन प्लांट्स या जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, इनको नोमेनक्लेट करें और ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें शब्द जो हैं जुड़ रहे हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न होने लगेगा, क्योंकि वर्ड एक साथ अपडेट नहीं किया जा सकता। तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है विच इज सफिशियंट, दैट इज अ वर्किंग लैंग्वेज, और वो है लैटिन। तो वो सफिशियंट है, उस बेस पर ही हम नोमेनक्लेट कर सकते हैं। तो ये एक फायदा हो गया कि हम एक डेड लैंग्वेज लैटिन यूज कर रहे हैं, और लैटिनाइज करने के बाद ही हम ऑर्गेनिज्म को नोमेनक्लेट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लैटिन में लिखना ये कहीं भी उन ऑर्गेनिज्म या प्लांट के ओरिजिन से रिलेट नहीं करता है ना। इसका ये मतलब नहीं होगा कि प्लांट का ओरिजिन
है ना, वो वहां से रिलेट कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द टू नेम्स यूज इन साइंटिफिक नेम, जो दो हम नाम यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल तो उसका था होमो सेपियंस, आर द जीनस नेम प्लस द स्पीसीज नेम। तो ये जीनस नेम है और उसके साथ स्पीसीज नेम है। जीनस को हमने कहा था जेनरिक नेम और स्पीसीज को हमने कहा था स्पेसिफिक एपिथेट। द फर्स्ट नेम और द जीनस नेम इज द सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इन द सेम जीनस। ठीक है, तो ये यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि जनरली अगर देखा जाए तो कुछ स्पीसीज में जो जीनस होगा वो कॉमन होगा, यानी एक जीनस के अंदर दो या तीन स्पीसीज हो सकते हैं या फिर 100 स्पीसीज भी हो सकते हैं, तो ऐसे ही नंबर हो सकते हैं। लेकिन जीनस और स्पीसीज को मिला दिया तो ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम हो सकता है। ठीक है, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूनिक है, वो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आगे देखें थर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर व्हाइल दैट ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर, फॉर एग्जांपल द होमो सेपियंस। यहाँ लिखने का तरीका ये है कि जब हम जेनरिक नेम लिखते हैं जो कि पहला वर्ड है, दैट शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, हम कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हमने वर्ड लिखा वो स्पेस दे के लिखा और यहाँ पर जो लेटर है वो कैपिटल नहीं है, तो होमो सेपियंस में एच इज कैपिटल जबकि सेपियन में एच जो है वो कैपिटल नहीं है और ना ही कोई दूसरे लेटर्स जो है वो कैपिटल है। ऐसा प्रिंट फॉर्म में करते हैं। अगर वहीं पर अगर हम इसे हैंड रिटन लिखना चाहें तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि व्हाइल वी आर हैंड राइटिंग दिस ईच वर्ड इज अंडरलाइन सेपरेटली, हम दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, दो अलग अलग वर्ड है, दोनों के बीच में स्पेस है, दोनों को एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, तो ये ध्यान रखना है। प्रिंटेड है, इटैलिक में भी आपको लिखना है, जैसे मैंने इससे पहले तो लिखा होमो सेपियंस वो इटैलिक नहीं था, तो अगर देखा जाए तो वो सही तरीका नहीं है किसी साइंटिफिक नेम को लिखने का। तो साइंटिफिक नेम अगर प्रिंट फॉर्म में है तो इट शुड बी इन इटैलिक। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, इफ द ऑर्गेनिज्म हैज बीन फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ साइंटिस्ट और ऑथर हिज नेम अपीयर्स इन द एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन द रोमन स्क्रिप्ट। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है, हो सकता है कि जैसे कुछ जगह पर जो ऑथर जो वेल डिफाइंड है उन ऑथर को भी क्रेडिट देने के लिए वो बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर के बाद एक तीसरा हम एक वर्ड यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं होता, वो एक एब्रिवेशन होता है, ऑथर के जो इनिशियल लेटर होते हैं उनको लिख दिया जाता है। जैसे लेनिनियस जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो मैंगो है उसको डिस्क्राइब किया था, तो मैंगीफेरा इंडिका हमने रखा जहाँ पर मैंगीफेरा जीनस है और स्पीसीज इंडिका है, लेकिन ऑथर के नेम पर हमने लेनिनियस से LINN लिख लिया, ये उसका एब्रिवेटेड फॉर्म होगा। तो लेन जैसे देखेंगे ये क्लियर हमको आइडिया हो जाएगा कि लेनिनियस थे जिन्होंने मैंगो को डिस्क्राइब किया। सिक्स पॉइंट कह रहा था, साइंटिफिक नेम्स पब्लिश बिफोर द स्पीसीज प्लैनेरम फॉर द प्लांट्स इन 1753 एंड सिस्टेमा नेचुरी फॉर द एनिमल्स इन 1958 आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ प्रायोरिटी इन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ध्यान रखना है कि ये जो टाइम दिया हुआ है दिस इज 1753 और यहाँ से 1958, इस बीच में जो जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जिनके नॉमेनक्लेचर किए गए वो अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ सुधार हुए, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन बने, इस कारण से वो नाम जो है वो कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं है, वो रूल्स में फॉलो नहीं हो पाते हैं। सेवन पॉइंट लिखा है, द नेम्स ऑफ फैमिलीज एंड सब फैमिलीज शुड बी बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द टाइप जीनस, जीनस टाइप है उस बेस पर ही जो फैमिली है ये सब फैमिली है वो नाम दिए जाने चाहिए। द साइंटिफिक नेम्स पब्लिश्ड बिफोर स्पीसीज प्लैनेरम फॉर द प्लांट्स इन 1753 एंड द सिस्टम ऑफ नेचुरी, अच्छा ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, तो ये सेवन पॉइंट्स अभी हमने देखे, आगे और कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। एट पॉइंट इज, इफ द नेम ऑफ द स्पीसीज इज चेंज, अगर ये नाम चेंज होता है स्पीसीज का, द ओरिजिनल ऑथर्स नेम इनिशियल इज गिवन इन द पैरेंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल सिंजियम क्यूमिनी, तो यहाँ पर देखो आप देख रहे हैं एक एल लगा है और उसके बाद डॉट करके ये बंद कर दिया गया है, इसकी ये एक्स्ट्रा है, जनरली हम ऐसे कुछ नाम रेयर ही देखेंगे, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। नाइन पॉइंट जो है, द नेम ऑफ डिविजन्स अबाउट जीनस आर नॉट प्रिंटेड इन इटैलिक, जीनस के ऊपर वाले अगर फैमिली हम कुछ यूज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जस्ट लाइक हम बोल रहे हैं मालवियसी सोलेनेसी फैमिलीज, तो अगर ये लिख रहे हैं तो इनको हमको इटैलिक में प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि जीनस के ऊपर वाले जो टैक्सोन है उनको हम इटैलिक मोड में नहीं लिखते हैं। 10 पॉइंट कह रहा है, स्पेसिमेन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच द स्पीसीज नेम इज एस्टैब्लिश शुड बी कैप्ट एज टाइप स्पेसिमेन इन द म्यूजियम फॉर द रेफरेंस, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था
जो मेन थे कि जब भी नाम दिया आपको उससे रिलेटेड एक स्पेसिमेन अपने पास प्रिजर्व करना है. द साइंटिफिक नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव. नाम जो है थोड़ा रिलेटिव होना चाहिए कि एनिमल है तो एटलीस्ट एनिमल है और प्लांट है तो प्लांट है. कम से कम इतना बेसिक डिफरेंस वो नाम क्रिएट कर पाए, ये ऐसा होना चाहिए. ऐसा होता है जैसे तो हिंदी नेम अलग होते हैं, इंडियन नेम्स रहेंगे वो बिल्कुल अलग होते हैं अमेरिकन नेम से या फिर ऑस्ट्रेलियन नेम से. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये एक इम्पैक्ट तो आता है. तो वहाँ पर जो साइंस है उसका इम्पैक्ट भी वहाँ होगा कि जो एनाटॉमी होगी, मॉर्फोलॉजी होगी, उसके कुछ स्पेशल करेक्टर होंगे जो दूसरे स्पीसीज में नहीं होते, तो उस बेस पर हम इनका नाम यहाँ पर रखेंगे. तो ऐसे हमने 11 रूल्स देखे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में. अदरवाइज एनसीईआरटी में सिर्फ आपको ध्यान रखना 4 रूल होते हैं, उन 4 रूल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. अब यहाँ ये कुछ टेबल है. टेबल इज शोइंग डिसएडवांटेजेस ऑफ नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द लोकल वर्नाकुलर नेम्स. जब ऐसे लोकल और वर्नाकुलर नेम्स दिए गए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम को लिस्ट किया गया है. जैसे पहले यहाँ देखें, रॉन्ग और डिफरेंट मीनिंग निकल सकती है. इसका एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. नेम्स इंडिकेटिंग इनकरेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट और द टाइप. एग्जाम्पल स्टार फिश. अब स्टार फिश क्या रियल में फिश होती है, क्या क्रे फिश या फिर जेली फिश ये रियल में फिश होती है? ऐसा देखा जाए तो शार्क सॉरी डॉल्फिन जो है वो भी वाटर में ही रहती है. उसको भी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे को बोलेंगे तो वो फिश ही बोलेगा, अगर उसको वेल बोला जाए तो वेल को भी वो फिश ही बोलेगा, बट हम जानते हैं कि वो मैमल्स होते हैं. तो ऐसे कुछ ना कुछ जो नाम दे दिए गए हैं जनरल नेम, क्योंकि पानी में रहती है तो फिश है, बट एग्जैक्टली उससे कितनी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती है, कितनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकल आती है, तो जरूरी है कि यहाँ कुछ सुधार हो. तो ये वर्नाकुलर नेम के डिसएडवांटेजेस हैं. दूसरा देखें, इनक्रेडिबल नेम्स. नेम्स हैविंग नो सिग्निफिकेंस, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है. जैसे यहाँ पर ब्लड सकर्स. ब्लड सकर्स से समझ में आ रहा है कि ये खून चूसने वाले हैं. किसको बोला गया है? इज अ लिजर्ड विच डज नॉट सक विंडोज टीयर, है ना. यहाँ पहला लाइन देखें, ब्लड सकर इज अ लिजर्ड विच डज नॉट सक ब्लड. एग्जैक्टली लिजर्ड जो है वो ब्लड के ऊपर फीड ही नहीं करती, लेकिन उसका नाम रख दिया, डरावनी दिखती है इसीलिए. विंडोज टीयर यहाँ पर दिया है, इसको एक प्लांट का नाम दिया गया है, जबकि प्लांट में कभी भी ऐसे टीयरिंग नहीं होती है. कन्फ्यूजिंग नेम में देखें, नॉर्मली हम कह सकते हैं कुछ अलग अलग नाम है. जैसे हमने कहा चिड़िया, जितने भी छोटे प्लांट्स जितने भी छोटे बर्ड्स हैं उन सभी को हमने चिड़िया कह दिया. हो सकता है कि मोर, पिकक, वो भी चिड़िया है हमारे लिए, बट ऐसा क्या ये कहना ये सही है? क्या इससे इंफॉर्मेशन निकल आती है? आप भी सुने चिड़िया अंदर घर के अंदर आ गई है तो आप क्या इमेजिन करेंगे, एक छोटी चिड़िया अपने घर में आ गई होगी. वैसे सांप, अरे सांप निकला है, उसका मतलब क्या है? अब वो कौन सा सांप है ये नहीं मालूम. तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग नेम है ना. यहाँ तक कि अजगर जो होता है उसको भी हम सांप कैटेगरी में ही बोलते हैं ना. तो हमने कहा कि अरे बड़ा सांप है, मोटा है, फिर बाद में जाके देखने पता चला कि वो पाइथन है. छिपकली, लिजार्ड के लिए हमने जितनी भी टाइप के लिजार्ड है उनके लिए छिपकली वर्ड यूज कर दिया, इंक्लूडिंग द कैमलियन, वो भी छिपकली हो गई. मल्टीपल नेम्स में देखें तो सम लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट नेम्स. वाटर लिली हैज़ 44 फ्रेंच नेम्स, प्रिकली पॉपी हैज़ 8 हिंदी नेम्स. अब देखें वाटर लिली के 44 फ्रेंच नेम है, वहीं पर देखा जाए तो जो प्रिकली पॉपी है हिंदी में उसके 8 नाम है. तो इतने ज़्यादा सिनोनिम्स हैं, तो अपनी हिंदी तो है ही इनक्रेडिबल, उसमें बहुत सारे जो उपनाम हैं वो दिए जाते हैं. डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट नेम्स. रोज इज कॉल्ड रोजा इन तमिल, वहीं पर उसी को हम गुलाब कहते हैं हिंदी में. तो एक रोज़ा हो गया, गुलाब हो गया, लेकिन दोनों चीज़ एक ही है. तो इस तरीके से कन्फ्यूजन भी हो सकता है, कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे. तो ये हमने कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़े. आगे हम लिखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ही एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में लिखा हुआ है. तो ये आप देखें, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज restricted to only those species that have subspecies, है ना. अब कुछ जगह पे क्या हो रहा है कि species के अंदर भी subspecies हैं. जैसे यहाँ एक example लिखा है, for example panthera leo represent the lion, सिंह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, panthera leo, but lions living in a different countries have certain differences in their characteristics. मतलब कैसा, एक अफ्रीका हो सकता है और एक इंडिया हो सकता है. अफ्रीका वाला लॉयन अलग दिखेगा और इंडियन लॉयन वो अलग दिखाई देगा. दो अलग अलग यहाँ पर सब स्पीसीज हैं, उस बेस पर
हमको बाइनोमियल के बाद एक दूसरा वर्ड जोड़ना पड़ता है जो कि उसके ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जैक्टली कौन सी कंट्री से। जैसे यहाँ पर लिखा है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडियन लॉयन इज गिवन एज द पैंथरा लियो, ये तो नाम था ही, साइड में लग गया पर्सिका, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जैक्टली दिस इज फाउंड इन द इंडिया, इंडिया में ये प्रजाति जो है लॉयन की मिलती है। तो दो की जगह पर अब तीसरा वर्ड भी यूज किया जा रहा है, लेकिन ये सभी टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है। कब एप्लीकेबल होगा? आपने ध्यान दिया था, मैंने कहा था स्पीसीज तो है, लेकिन स्पीसीज में भी कई बार सब स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अगर सब स्पीसीज है तो उस टाइम पर ये रूल निकाला है कि बाइनोमियल के साथ एक एडिशनल वर्ड जोड़ दें, ठीक है। तो वो वहां पर ऑथर नेम जो लिखा था वो ट्राइनोमियल नहीं है, क्लियर। ऑथर नेम वाला एक तरीका है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन यहां पर अगर सब स्पीसीज अवेलेबल होती है इन दैट केस इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वी यूज दिस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। आगे हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो ये नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ये सारा कुछ हमने पढ़ा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है इसको भी देखें कि ये क्या चीज होती है। टैक्सोन, टैक्सोन का मतलब क्या होता है? अब जैसे जैसे मैं आपको कुछ देर बाद या दिखाएंगे या पहले भी हमने कहा था चैप्टर ओपनर फिगर में कि एक ही इंडिविजुअल है दैट बिलोंग टू स्पीसीज। अब वैसे मिलते जुलते जो होंगे उनको हमने एक जीनस में रखा, उसके बाद उससे थोड़े ज़्यादा पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज की होगी, जीनस से बड़ा वो क्या हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको देखनी है कि जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्पीसीज हो गई, जीनस हो गई, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गया, ऐसा हम जो यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, वो लेबल क्या है। तो दैट लेबल इज सिंगुलर टैक्सोन, प्लूरल उसको हम बोलेंगे टैक्सा। तो जब ऐसे टैक्सास में कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन एनिमल्स को फिट करते हैं, जैसे मैं ह्यूमन हूं, ह्यूमैनिटी कार्ड ह्यूमन, क्या ह्यूमन एक क्लास है? नो। क्लास क्या है? मैमल्स। उस क्लास के अंदर फैमिलीज होंगी, तो उस हिसाब से ये जो हम बोल रहे क्लास फैमिलीज ये जो है किंगडम इवन, या फिर हमने फाइलम का, फाइलम से आप लोग फैमिलियर हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है किंगडम के बाद फाइलम होता है, तो जो फाइलम भी बोल रहे हैं तो वो क्या है? तो ये सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्सास को। तो टैक्सा को जो हम ऐसे हायरार्कियल फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पर उनको पुट करते हैं, दिस ऑल इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और इनकी स्टडी करना ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ आपको फोकस करना है कि टैक्सोन का मतलब क्या है ना, और टैक्सोन और टैक्सा में क्या डिफरेंस था। तो पीएल लिखा है मतलब प्लूरल ऑफ टैक्सोन इज कॉल्ड द टैक्सा। देखिए यहाँ पर कुछ दूसरे और पॉइंट लिखे हुए हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग द हायरार्कियल अरेंजमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर ये जो आप देख पा रहे होंगे, मे बी देयर इज नॉट मच मोर विजिबिलिटी ड्यू टू बैकग्राउंड, मैं उसको अभी एनलार्ज करूंगा। आप किंगडम तो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ आप इसको शुरुआत करेंगे सबसे छोटा जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये छोटा बबल, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एरो दिख रहे हैं, एरो से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके स्टार्ट। सबसे पहला हम देख रहे हैं सबसे छोटा ग्रुप जो है जिसमें कम से कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज की एक पॉपुलेशन है। अब स्पीसीज से ऊपर वाला जो हायरार्कियल टैक्सोन है दैट इज कॉल्ड द जीनस। स्पीसीज से बड़ा टैक्सोन क्या हो गया? जीनस हो गया। जीनस से बड़ा क्या है? तो उससे बड़ा फैमिली है। फैमिली से बिगर क्या है? तो वो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद क्या होगा? तो वो क्लास है, एंड क्लास के बाद उससे ही बड़ा फाइलम है या डिवीजन है। अब ये फाइलम और डिवीजन के ध्यान रखें, जनरली एनिमल्स में हम फाइलम जाते हैं, क्लियर, लेकिन प्लांट्स में फाइलम के ऊपर भी डिवीजन हो सकता है। तो जब डिवीजन वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये प्लांट क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है कि डिवीजन के अंदर फाइलम हो सकते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन में, लेकिन जूलॉजी में किंगडम के अंदर फाइलम होते हैं, फाइलम के अंदर क्लासेस होती हैं, क्लियर। यानी जूलॉजी में फाइलम इज इक्वल टू डिवीजन, बट इन बॉटनी दिस इज नॉट लाइक दिस। डिवीजन के अंदर फाइलम हो गया, क्लियर। अब सबसे बड़ा ग्रुप जो हो गया जिसमें बहुत कम सिमिलैरिटी है, लाइक हमने कह दिया कि ये सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ ये कैरेक्टर जो है इस कारण से किंगडम एनिमिलिया बन गया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक हायरार्कियल सिस्टम, कि किंगडम से छोटा फाइलम,
किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, उससे छोटा ग्रुप क्या होगा? फाइलम डिविजन, उससे छोटा ग्रुप क्या होगा? क्लास, उससे छोटा ग्रुप क्या होगा? ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली, देन उससे भी छोटा जीनस, फिर उससे छोटा स्पीसीज। तो याद रखें इसको हायरार्की के फॉर्म में, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। ये डिफरेंस करना भी मैंने आपको बताया कब कौन सा यूज करना है। लास्ट इज किंगडम, फाइव किंगडम होते हैं, आई होप आप सभी को मालूम होगा, एटलीस्ट इतना तो हमको सभी को मालूम ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इनको पर्टिकुलर एक एक को हम एम्पलीफाई करेंगे और हम देखेंगे कि किंगडम होने के लिए क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सिमिलरली अगर बात करें कि जीनस होने के लिए क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, किस कैरेक्टर को, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस क्या है, मैमल्स हैं, तो मैमल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो सभी ऑर्गेनिज्म में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते, लेकिन वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स है उनको हम मैमल्स कहेंगे। यानी मेमोरी ग्लैंड्स वो करेक्टर है जिसको हम क्लास लेवल पे बोल सकते हैं। क्लियर? हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा क्रीनियम कैपेसिटी होती है, दिस इज नॉट अ करेक्टर, ठीक है, लेकिन क्रीनियम का होना दिस इज द करेक्टर। तो क्रैनिएटा, वो सीधे सीधे हम कहां पहुंच गए? फाइलम लेवल पे पहुंच गया, सब फाइलम लेवल पे पहुंच गया। तो अगर क्रीनियम है उसी को हम बिगर फॉर्म में देखें फाइलम वाइज, तो हमने कहा कि कॉर्डेटा, कॉर्डेट के कैरेक्टर, और कॉर्डेट में भी अगर क्रीनियम है तो क्रैनिएटा, सब फाइलम हो गया उसका। तो इस तरीके से जो कोई कैरेक्टर है उसका भी एक लेवल होता है कि वो कैरेक्टर को नीचे लेवल पर रखना है या ऊपर लेवल पर रखना है या बीच वाले लेवल पर रखना है। तो इसीलिए सिर्फ कैरेक्टर पता होना जरूरी नहीं है, कैरेक्टर का क्या लेवल है ये भी हमको मालूम होना चाहिए, तभी जाकर हम क्लासिफाई कर पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, देन द क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तभी जाकर हम उसका कैरेक्टराइजेशन के साथ हम उसको नॉमिनिक्लेचर कर पाएंगे। तो नॉमिनिक्लेचर के लिए बाकी चीजें भी जरूरती है। लास्ट स्टेप आप कह सकते हैं कि लास्ट में हमने उसको फाइनली नाम दिया। इस तरह टिप देखें, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। टैक्सोन रिफर्स टू अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ठीक है। टैक्सोन क्या हो गया, जैसे हम बोले इंडिया, इंडिया इज व्हाट, कंट्री। अमेरिका वो दूसरी कंट्री, यानी कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, तो ये कंट्री, स्टेट, क्लस्टर, डिस्ट्रिक्ट। वैसे यहां पर जो सबसे बड़ा था वो किंगडम है, किंगडम किंगडम है, लेकिन वो है क्या, उसको हम क्या बोले, प्लेस का नाम तो नहीं है। तो वहां पर ये क्या कहलाएगा, एक टैक्सोन है। क्लियर? जैसे बड़े अलग अलग टैक्सोन है, बड़ा टैक्सोन, उससे छोटा टैक्सोन, उससे छोटा। तो हमने कहा कि डिफरेंट टैक्सास ये हायरार्कियल अरेंजमेंट में होते हैं और इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एवरी प्लांट्स is treated as belonging to a number of taxa, each assign a particular rank. For example, onion belong to Allium sepa, hai na, onion ka yahan par ek botanical name diya hai, Allium sepa. Species rank par isko diya gaya hai. Clear? Wahin par dekhiye, Allium genus rank hai. Amaryllidaceae family rank hai. Categories are formed when the taxonomic groups are arranged in order of their successive inclusiveness. तो कुछ जगह पर ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर एक रैंक वाइज भी उनका नॉमिनिक्लेचर दिया जाता है। जैसे हमने लास्ट में बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर में कहा कि जीनस प्लस स्पीसीज, लेकिन यहां पर हमने कहा कि फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी करके फैमिली बेस पर भी वो नाम दिया जा सकता है। इसी टाइप देखें आर्कियंस, यानी सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया कैन से, एंड द बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्योंकि प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स बोलने का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई भी ऐसा सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होता है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। वहीं पर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल के अंदर एक वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। सेल टाइप इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल। तो ये एक दूसरी इंफॉर्मेशन थी। तीसरा स्टेरियोटाइप देखें, फेनेटिक्स। फेनेटिक्स क्या है, तो रिफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं जब हमने क्या ऑब्जर्व किया, उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी को ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ हमने उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आर नॉट कंसिडर्ड। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ठीक है। द सेट ऑफ मेथड यूज इन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और द फाइलोजेनी इज कॉल्ड। लेकिन अगर ये चीज गायब है, सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल रिसेंबलेंस देख रहे हैं, उस बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया, तो उसको क्या कहेंगे, दिस रिफर्स टू फेनेटिक्स। तो फेनेटिक्स
एंड द क्लैडिस्टिक। नेक्स्ट इज एक और स्टडी लिखिए, बायोसिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक मतलब हमने देखा कि क्लासिफिकेशन किया और हमने एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो थे उनके बीच में एक रिलेशनशिप को भी वहां पर इंपॉर्टेंस दिया। बायोसिस्टमैटिक्स का मतलब हम पूरे होल लिविंग वर्ल्ड की बात करें, इज अनदर ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरिएशन इवोल्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। किस तरीके से क्लास उनका डेवलप हो रहा है, उसमें क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसमें अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन दें तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज बायोसिस्टमैटिक। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स थे वो उस समय ऐसा कुछ डिजास्टर हुआ कि रेप्टाइल्स इतने हैवी थे कि वो भाग नहीं पा रहे थे, लेकिन जो छोटे साइज के होंगे वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा पाएंगे, या फिर अगर बहुत गर्म लावा रहा होगा तो वो एक ही तरीका है कि वो जंप लें, यानी जितना देर तक हवा में रहेंगे यानी एग्जैक्टली फ्लाइट ले पाएंगे वो सर्वाइव करेंगे। तो इसीलिए रेप्टाइल का ही ग्लोरीफाइड फॉर्म क्या हो गया, बर्ड्स। और रेप्टाइल्स को हमने ऐसा क्यों कहा कि ग्लोरीफॉर्म रेप्टाइल फॉर्म इज द बर्ड, क्योंकि रेप्टाइल से डायरेक्टली हम कनेक्शन देख रहे हैं मैमल्स में, ठीक है। तो रेप्टाइल्स कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली एंसेस्टर हो जाता है मैमल्स का, एकाइलिना प्लैटिपस, वी कैन ऑब्जर्व, ये कनेक्टिंग लिंक है जहां से ये क्लियर समझ में आता है कि एक लिंक वैसे भी जनरेट हो रहा है। तो ये सारा जो इवोल्यूशन रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं तो दिस इज कंसिडर्ड अंडर दिस ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ द बायोलॉजी विच इज कॉल्ड द बायोसिस्टमैटिक्स। तो ये भी ध्यान रखना है, दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द कैंप एंड गिली इन 1943। तो 1943 में कैंप और गिली उन्होंने ये चीज़ें समझाई है। और भी कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मोनोफाइलेटिक टैक्सा, डाइफाइलेटिक टैक्सा, ये भी आपको देखना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जस्ट इसको रीड करना है, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक अगर हम बात करें नीट की बात करें तो उनमें जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अभी आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक टेबल मैंने आपके सामने दिया है, ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पर फोकस किया है कि प्री लिनियस इरा इंडियंस में अगर देखा जाए तो चरका और सुश्रुता जो है ये काफ़ी फेमस रहे, पराशरा ये भी बहुत फेमस रहे, और इन्होंने किस तरीके से जो जड़ी बूटी का नॉलेज था, आयुर्वेदिक का नॉलेज था, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया। कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक आज भी हम देखते हैं कि काफ़ी डोमिनेंट है, कुछ मेडिसिन जो हैं उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमको आयुर्वेदिक में मिलता है, तो ये जो क्रेडिट है ये उन्हीं को जाता है। लेकिन जैसे ऐसे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी, अलग अलग वर्ल्ड में जो रीज़न है, जैसे हम ग्रीक में देख रहे हैं अरिस्टोटल, वैसे हम लेनिनियस इरा में देख रहे हैं कोरोलस लेनिनियस, सिमिलरली और भी हम देख रहे हैं पोस्ट लेनिनियस इरा के बाद अर्न्स्ट मेयर, आर एच वटेकर जो कि बहुत फेमस है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, कार्ल वोइस जो कि थ्री डोमेन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहीं पर लास्ट जो लिखा है कैवेलियर स्मिथ 1998 सिक्स किंगडम्स उन्होंने बताए। तो ये हो सकता है हमको एमसीक्यूज में मिले लाइक सिक्स किंगडम या थ्री डोमेन या फाइव किंगडम वाला तो बहुत कॉमन हो गया, ये नाइन्थ के बच्चे ही बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका रिलेशन किस साइंटिस्ट से है, जनरली फॉल्स स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसमें लिखा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ अब पर्टिकुलर हम जो टैक्सा पढ़े स्पीसीज वो क्या है, एनसीईआरटी का ही मैंने स्नैप यहाँ पर लिया है कि स्पीसीज होने के लिए वो क्या करेक्टर होना चाहिए। याद करिए जो मैंने आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखाया था, अगर एक सिंगल एनिमल है उसके जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं जो दिखने में और कैरेक्टर्स में सेम है तो हम बोलेंगे कि ये एक स्पीसीज है, लेकिन वहीं पर एक दूसरी स्पीसीज भी कुछ मायनों में उसके साथ सेम हो जाती, मतलब कुछ कॉमन निकल आया, दो अलग अलग हैं, डिफरेंट है, दो चीजें हैं, दिस इज एंड दिस इज, ये डिफरेंट है, वी अंडरस्टैंड, ये एक स्पीसीज है और ये एक स्पीसीज है, लेकिन इनमें कॉमन पॉइंट निकल आया कि दोनों लगभग कैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों चार पैर पे चलते हैं, ठीक है, एक ये कॉमन पॉइंट हो सकता है, दोनों पानी में रहते हैं ये कॉमन पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके से एक सिमिलरिटी बढ़ती है तो स्पीसीज के ऊपर वाला ग्रुप जो है दैट इज जीनस वो उसमें चले जाते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि स्पीसीज के कैरेक्टर को जब हम एग्रीगेट करेंगे दैट एग्रीगेशन इज कॉल्ड द जीनस। जीनस में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज, सारी स्पीसीज को जोड़ेंगे तो वो तो सबसे ज्यादा ही होगा, लेकिन अगर एक स्पीसीज की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कम होते हैं जीनस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीनस इज द सम ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 many other species,
जनरली 2-3-4 स्पीसीज जनरली एक जीनस में होती है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो कॉमन कैरेक्टर था वो एक मिल गया और इस कारण से वो जीनस बन गया। अब जीनस के बाद पॉपुलेशन और बढ़ते जा रही है, कई सारे ऐसे सिमिलर जीनस जीनस हैं बिल्कुल अलग, लेकिन उनमें फिर कुछ कॉमन निकल आया। तो कुछ कॉमन होने के कारण अब उनको हमने रिलेट कर दिया कि हाँ ये एक बड़ा ग्रुप बना जाता है, कि ये फैमिली बन जाती है। तो जीनस के एग्रीगेशन से जो बिगर ग्रुप बना दिस इज कॉल्ड द फैमिली, ये उससे बड़ा हायरार्की लेवल पे होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, बैक में जाते हैं। स्पीसीज में कुछ एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टाइगरिस। तो हमारे पास दो चीज हो गई, एक हो गया कि पैंथेरा लियो लॉयन है, दूसरा अगर हम टाइगर की बात करें तो हम क्या बोलेंगे उसको, पैंथेरा टाइगरिस। तो पैंथेरा क्या है, दैट इज जीनस, जबकि स्पीसीज दो हो गई, लियो एंड द टाइगरिस। क्लियर? तो यहां से ये पॉइंट हमको समझ में आता है कि एक जीनस के अंदर दो स्पीसीज हम देख पा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल अगर जीनस ले रहे हैं तो जीनस फिर यूनाइट होंगी। यहां पर देखें, यहां पर फर्दर एक एग्जांपल दिया है, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलैनम। दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन एक ही वो जीनस को बिलोंग करती है, सोलैनम। सिमिलरली लॉयन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पैराडस एंड द टाइगर पैंथेरा टाइगरिस। अब उस जीनस में तीन अलग अलग स्पीसीज हो गई, एक जीनस में एक से ज्यादा यानी दो या तीन जो है स्पीसीज वो आ सकती है, एग्रीगेट ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड द जीनस। अब जीनस का एग्रीगेट क्या कहलाएगा, फैमिली। अब इसके एग्जांपल में देखें जो हमने बात की, फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम पेट्यूनिया, दूसरा धतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या क्या आ रहा है, सोलेनम पेट्यूनिया एंड धतूरा। अमंग द एनिमल्स अगर एग्जांपल लें तो पैंथेरा उस जीनस में कंप्राइजिंग द लॉयन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस, यानी कैट। कैट वाला जीनस जो फेलिस था उसको हमने दूसरे जीनस कौन सा, यहां पर पैंथेरा, और दोनों को हमने एक फैमिली में डाल दी फेलिडेई। यानी फेलिडेई फैमिली है कुछ कॉमन करेक्टर होने के कारण, और उस फेलिडेई में देखो कितना डिफरेंस आ गया कि एक पूरी कैट फैमिली होगी फेलिस, जिसमें हमारे जो कैट जैसे एनिमल्स हैं वो आते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरा जो हो गया पैंथेरा, पैंथेरा में टाइगरिस लियो वो सब कुछ आ रहे हैं। तो पैंथेरा जीनस है, फेलिस जीनस है, दोनों को मिलाया और इन दोनों को डाला फेलिडेई में जो कि फैमिली हो गई। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब जीनस का एग्रीगेशन जो है वो क्या है, दैट इज द फैमिली। फैमिली उनमें कुछ कॉमन करेक्टर निकल आएंगे और पॉपुलेशन और भी बढ़ जाएगी, ज्यादा बड़ा ग्रुप हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर इज द हायर टैक्सॉन देन द फैमिली, फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। यानी जेनरा के कंपेरिजन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक द कॉन्वोविलेसी और सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। अब देखो सोलेनेसी हमने बोला था, लेकिन सोलेनेसी और कॉन्वोविलेसी दोनों को मिलाकर हमने डाल दिया उसको पॉलीमोनियल्स में, ये ऑर्डर बन गया। मतलब पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली हैं, फिर फैमिली में अलग अलग जीनस होंगे और उन जीनस में भी अलग अलग स्पीसीज होंगे। तो इस तरीके से ये फैलते जा रहा है, एक ब्रांचिंग रैमिफिकेशन हम देख रहे हैं। दूसरा हम देखें एग्जांपल और लिखा है, एनिमल्स में देखें तो जो कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक द फेलिडेई एंड द कैनिडेई। कैनिडेई और फेलिडेई दोनों को मिला के, क्योंकि इनमें कॉमन करेक्टर क्या था, दोनों मांस खाते थे, कार्निवोर्स थे, तो कार्निवोरा कह दिया। दूसरा ऑर्डर आप गेस कर सकते हैं, हर्बीवोरा, मतलब जो प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स फीड करते हैं। इसी तरीके से क्लास, क्लास का मतलब क्या हो गया, और बड़ा एग्रीगेशन, उन ऑर्डर्स को एग्रीगेट कर दिया और उनके कॉमन कैरेक्टर के कारण एक बड़ा ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड द क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल द ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग द मंकी गोरिल्ला गिबन इज प्लेस इन क्लास मैमलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर कैट एंड डॉग। क्लास मैमलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो क्लास मैमल्स, मैमल्स मतलब सीधा मतलब है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, लेकिन इसमें कितने सारे अलग अलग ऑर्डर थे। तो अलग अलग ऑर्डर में एक कॉमन पॉइंट था कि दे पजेस द मेमोरी ग्लैंड एंड दैट्स व्हाई दे पुट इनटू दिस क्लास मैमलिया। ऐसे ही उस क्लास में अगर देखा जाए तो सिर्फ कॉर्डेट करेक्टर है मैमल्स में,
एओस में भी वही है, रेप्टिलियम वही है करके सारा कुछ मिला के किसमें रख दिया हमने, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम जो हो गया वो एग्रीगेशन किसका हुआ, क्लास का हो गया। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल आप आसानी समझ सकते हैं, रेप्टिलिया एव्स मैमल्स पाइसेस ये सारा कुछ मिलाकर हम किस में डाल देते हैं, तो कॉर्डेट फाइलम में। ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, आप यहाँ ध्यान दें कि नेम है मैन हाउस फ्लाई मैंगो वीट, क्लासिफिकेशन है कि आप यहाँ से स्पीसीज तो देख सकते हैं, तो जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास एंड द फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैन हाउस फ्लाई ये तो एनिमल वाला हो गया, लेकिन मैंगो और वीट ये प्लांट है, प्लांट है मतलब यहाँ पर हम डिवीजन वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये चार, और इसके अलावा जो हमने स्पीसीज से लेकर जो किंगडम में डिफरेंट एग्जाम्पल यूज किए उनके भी जोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम आपको याद होने ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्लियर, तो आई होप आपने आज इंजॉय किया होगा, आपको कुछ बातें समझ में आई होगी, कुछ डाउट्स रहे तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू पे थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, टेक केयर, बाय बाय।